आपका आज फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई कुकीज। ये नॉर्मल कुकीज से थोड़ी सी अलग है, तो इसको कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। मलाई कुकीज बनाने के लिए हमको क्या क्या सामान चाहिए आइए देखते हैं। 250 ग्राम मैंने मलाई ली है जो बिल्कुल फ्रेश है, 250 ग्राम मैंने मैदा ली है और 250 ग्राम मैंने पिसी हुई शक्कर ली है, 100 ग्राम मैंने सूजी ली है, आधा छोटा चम्मच मैंने बेकिंग सोडा लिया है, आधा छोटा चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर लिया है और गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़े से चोको चिप्स लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम मलाई लेंगे, उसको मैंने थोड़ा सा बाहर निकाल के रखा थोड़ी देर पहले, करीब आधा घंटा पहले, ताकि ये नॉर्मल हो जाए थोड़ा। इसको अच्छे से मैश कर लेंगे हम। अब हम इसमें मैदा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैदा हमारी मलाई में मिक्स हो गई है। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे और बेकिंग सोडा भी डाल देंगे और ये सूजी भी डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, पहले बिल्कुल आटे की तरह हम इसको गूंथ लेंगे। अब हम इसमें शक्कर भी डाल देंगे। अब सब सामानों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी कुकीज बनाएंगे। तो देखिए कुकीज का हमारा आटा तैयार हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे, इतने छोटे छोटे सारे पेड़े हम ऐसे ही बना लेंगे। हमारी सारी कुकीज तैयार हो गई है। अब हम बेकिंग के लिए ट्रे में रखेंगे। ओवन को हमने पहले ही 150 पे प्री हीट करके रखा हुआ है। इसमें थोड़ा सा हम घी लगा देंगे, घी या ऑयल कुछ भी लगा सकते हैं। एक एक कुकीज हम इसमें रखेंगे। अब एक एक चोको चिप्स हम इसके ऊपर लगा देंगे, जैसे कि हमारी कुकीज देखने में अच्छी लगे। तो देखिए अब हम इसको बेकिंग के लिए रखेंगे लगभग 20 मिनट के लिए। से 20 मिनट इसको लगेंगे सिकने में। तो हम इसको सेकने के लिए रख दिया। तो देखिए हमारी कुकीज बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से हम सारी बना लेंगे। तो देखिए हमारी मलाई कुकीज बनकर तैयार हो गई है, काफी अच्छी बनी है। ये देखिए काफी सॉफ्ट है, ये ठंडी होने के बाद थोड़ी कड़क हो जाएगी। देखा आपने मलाई कुकीज बनाना कितना आसान था। आप भी अपने घर पे जरूर बनाएं और अपने अनुभव मुझसे शेयर करें। यदि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।